हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का हिंदी दूसरी इकाई का सिक्स लेसन है स्वास्थ्य संपदा। और ये जो लिखा है इस लेसन में आपको क्या दिया है कि महात्मा गांधी जो है उन्होंने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में, हमारी हेल्थ के बारे में, कौन सी चीज़ें अच्छी होती है, क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये बताया है। तो उसे हम देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए उसको रीड करेंगे। जन्म, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है ये तो सबको ये डेट पता होगी कि 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी हुई है 30 जनवरी 1948 में। परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। ये आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी किसकी, राष्ट्रपिता की। हमारे राष्ट्रपिता कौन है तो महात्मा गांधी है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। कि अगर हमें पूरे जीवन भर में स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि खुली हवा में जो भी प्योर एयर होती है, हवा होती है, उसमें अगर हम रह सकते हैं तो वो अच्छी बात है। और उसमें अगर हम व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज करेंगे तो हमें किसी भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो नहीं होंगे और हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या लेटर में उन्होंने लिखा है। देखिए, एरवाड़ा मंदिर और यहाँ पे डेट भी आपको दी है। और स्टार्टिंग कैसे की है, ची जमनलाल मीन्स जो जिनको उन्होंने लेटर लिखा है वो उनसे छोटे होंगे इसलिए चिरंजीव लिखा जाता है, तो ची लिखा है, उसके बाद जमनालाल। अभी पत्र में लिखा क्या है उसे हम रीड करेंगे। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हो कि जो भी जमनालाल थे उनका पत्र उन्हें मिला था। और पत्र मिलने के बाद अब उन्हें क्या करना था, उस पत्र का जवाब देना था, इसके लिए उन्होंने अभी लिखना शुरू किया था। फिर देखेंगे कि क्या क्या लिखा था। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले, कि जो जमनालाल है उनके जन्मदिन पर उन्हें जो भी चाहिए वो सारे आशीर्वाद उन्हें मिले, ऐसे उनका कहना था। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उनमें उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। कि आगे उन्होंने क्या किया है कि जो भी स्वास्थ्य के संबंध में जो भी चीज़ें उन्होंने बताई है उसके ऊपर वो क्या है, दृढ़ है। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। तो यहाँ पे रक्षक कौन है, मतलब हम लोग। और शरीर एक क्या है, भगवान से मिले हुए हमारे, हमें क्या मिली है, एक अमानत मिली है। तो एक अमानत समझ कर, देखिए अगर कोई हमें कोई चीज़ देता है अमानत के तौर पर या फिर बख्शिश के तौर पर तो हम कैसे उसे संभालते हैं। तो ये शरीर भी भगवान ने हमें क्या दिया है, एक अमानत दी है, तो उसकी रक्षा करना हमारा क्या होता है, धर्म होता है। रक्षक मीन्स कि हम खुद और हमारे शरीर के हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, या फिर किस तरीके से स्वास्थ्य को हम अच्छा बना सकते हैं या फिर व्यायाम कर सकते हैं, ये सारी सोचना किसका काम है, तो रक्षक मीन्स कौन, हम खुद। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मीन्स क्या, मौज मजे के लिए देखिए कि जैसे कि हम लोग बाहर घूमने जाते हैं तो कुछ भी खा लेते हैं, वड़ा पाव खा लो, समोसा खा लो, कुछ भी जो बाहर का होता है मौज मजे के लिए हम लोग खा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया कि गुड़ की एक डली भी, कि अगर आपको मौज मजा करना है या फिर कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर का कुछ खा लेते हैं। वो बात तो ठीक है कि हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं होती है। कि अगर आपको औषधि के तौर पे मीन्स क्या कि ऐसे फ्रूट्स हो या फिर वेजिटेबल्स हो जो कि हमारे लिए अच्छे हैं लेकिन वो महंगे, तो भी क्या हुआ, अगर महंगे हैं लेकिन उसका फ़ायदा तो हमें होने वाला है तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। कि हम पैसे खर्च करके वो चीज़ें हमारे लिए लेते हैं या फिर खाते हैं तो वो अच्छी बात होती है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं होती है। उद्वेग की आवश्यकता मीन्स प्रबलता की या फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जिन चीज़ों से हमें अगर फ़ायदा होता है तो उसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। कि अगर हम लोग ऐसा खाना खाते हैं वो तो अच्छी बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऐसा खाना आप दूसरों को खिला सकते हो तो ज़रूर खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या कि देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा अगर हमें मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी हमें
एक साथ ही खा लेना चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो प्लेट में लेते हैं लेकिन खाते नहीं है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही हमें खाना चाहिए। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। मीन्स क्या, कुछ लोग ऐसे करते हैं देखिए कि मीठा नहीं खाते या फिर कम खाते हैं, तो यहाँ पर गांधी जी भी क्या बोल रहे हैं जो जमुना लाल है उनको, कि गुड़ को आप बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। जिनको ज़रूरत है वो खा सकते हैं, जिनको नहीं ज़रूरत उन्हें नहीं खाना चाहिए। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपको मीठा खाना ही है तो आप शुद्ध शहद जो होता है, हनी जिसे हम कहते हैं, उसे आप खा सकते हो क्योंकि वो भी मीठा होता है। लेकिन अगर आप फल खाते हो तो फल जो होते हैं वो भी मीठे लगते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि उसमें भी जो जैसे कि मीठापन जो होता है शहद में या गुड़ में, वो आपको फल से मिल जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो गुड़ मत खाइए, उसके बदले में शहद खा सकते हैं। शहद भी अगर नहीं खाना है, अगर आप फल खाते हो तो उसमें से आपको वो मीठापन मिल जाएगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि शहद भी आप नहीं खाओगे तो भी चलेगा। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, कि दूध हमारे लिए अच्छा होता है, हमें पता है कि कैल्शियम हमें मिलता है, हमारे बोन्स स्ट्रांग होते हैं, तो इसके लिए दूध पी सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक है, कि जो भी जमुना लाल है वो क्या करते हैं, मक्खन की जगह पे जैतून का तेल यूज़ करते हैं। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। अगर आलू अगर हम देखेंगे तो उसमें भी स्टार्च होता है, और जो रोटी गेहूँ से बनी होती है उसमें भी स्टार्च होता है। तो हम लोग अगर आलू खाते हैं तो रोटी को कम कर सकते हैं, या फिर रोटी और आलू दोनों में से भी हमें स्टार्च ही मिलने वाला है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। कि स्टार्च कम, जो जिनका वेट ज़्यादा होता है वो लोग क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें कम ही खाते हैं तो अच्छा है। तो यहाँ पर अगर वो रोटी खा रहे तो उनको ज़रूरत नहीं है आलू वगैरह खाने की। मक्खन दूध काफ़ी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वज़न के ऊपर है। कि अगर आपका वज़न ही ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा कम खा सकते हो। अगर आपका वज़न कम है तो उसके आधार पे हम लोग इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन के अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। कि उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि आपको अगर वज़न स्थिर करना है जितना आपको चाहिए, वहाँ तक आप क्या कर सकते हो, मक्खन या फिर दूध है उसे उसकी मात्रा जो है बढ़ाते जा सकते हो, या फिर आपको जहाँ तक हजम होता है उतना आप ले सकते हो। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। कि हरी सब्जियाँ खाना बहुत ही अच्छा होता है, तो वो भी उन्होंने बताया है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। अभी चोकर का मीनिंग क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा घर में मम्मी जब आटा लेती है या फिर रोटी बनाने के लिए, तो आटा छाना जाता है, तो उस छन्नी के ऊपर देखिए कुछ ऐसे बड़े से पार्टिकल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, गेहूं से निकला हुआ चोकर होता है। तो वो अगर गेहूं के आटे में रहेगा तो उससे और भी ज़्यादा फायदा होता है। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया है तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। मीन्स जो चोकर निकलेगा या फिर गेहूं का आटा हम छानते हैं तो उसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। तो ये सारे फल अच्छे होते हैं, इनको खाना अच्छा होता है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए, कि एक ही साथ सब हम नहीं खा सकते हैं। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। कि जैसे कुछ जूस बना के या फिर उसमें कुछ रेसिपी बना के खाते हैं, तो उससे अच्छा यही होता है कि हम फल जैसे ही वैसा ही खा सकते हैं, या फिर अकेला दूसरे चीज़ों के साथ ना खाएं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। कि अगर आपको भूख लगी है सुबह सुबह जल्दी अगर आप कुछ खाने से पहले फल खाते हो तो अच्छी बात होती है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है। मीन्स अगर सुबह सुबह जल्दी अगर आप फल खाते हो तो सबसे बेस्ट है, और दोपहर का चांदी है। अगर आप दोपहर में खाते हो तो उसका थोड़ा सा गुण कम हो जाएगा। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। कि स्टार्टिंग में अगर नाश्ते से पहले ही आप फल खाओगे तो वो अच्छा होगा। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? तो जो जमुना लाल है उनको उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सुबह तुम गर्म पानी पीते हो क्या? नहीं, सुबह गर्म पानी पिया तो हर्ज नहीं। क्या अच्छी बात है, सुबह गर्म पानी ले सकते हो। तुमको 24 घंटे खुले हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है, सकती हो तो लेनी चाहिए। कि देखिए यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर्स दिए हैं, कई सारी सब्जियाँ है, फ्रूट्स है, तो ये सारी चीज़ें हम सब के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। और खुली हवा में क्यों? तो खुली हवा में हमें ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, जो प्योर एयर होती है वो मिलेगी, तो उसके लिए हमें खुली हवा में रहना चाहिए। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सके तो अच्छा है। प्राणायाम करना सबके लिए अच्छा होता है।
रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। देखिए, अगर हम कंबल को मीन्स जो ब्लैंकेट्स होते हैं उसको पूरे चेहरे के ऊपर हमें नहीं लेना है, उससे हमें सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो अगर ठंडी भी ज़्यादा है तो हम कंबल, जो गांधी जी उन्होंने क्या बताया है कि कंबल सिर्फ गले तक ही लेना है और ठंडी लगती है तो फिर कान या फिर सर के ऊपर कपड़ा लपेट सकते हो। 2400 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए यह अति आवश्यक है कि हमारे फेफड़ों में अगर हवा शुद्ध हवा अगर जाती है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो खुली हवा में घूमना काफ़ी अच्छा होता है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सनलाइट से जो है हमें क्या मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है। इसके कारण उन्होंने क्या कहा है कि अगर सुबह जो हमें सहन हो सकता है इतना ज़्यादा धूप में नहीं, जो सुबह की रोशनी होती है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, तो उन्होंने कहा है कि उस रोशनी में तुम खड़े रह सकते हो। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, एक लेटर लिखा है जिसमें स्वास्थ्य संपदा मीन्स हमारे शरीर के बारे में या फिर शरीर के लिए स्वस्थ रहने के लिए हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खाना है, या फिर प्राणायाम किस तरीके से करना है, करना चाहिए कि नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। और लास्ट में क्या लिया है, लिखा है बापू के आशीर्वाद। इस तरीके से क्या किया है उन्होंने, ये लेटर लिखा है जिसमें से हमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है। तो आई होप आपको ये लेसन जो है स्वास्थ्य संपदा ये भी समझ में आया होगा और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई वो भी समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पर 6th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे।